कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं शिवानी, कक्षा 8वीं से की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना स्थल पठानकोट की ओर से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो आपको बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो सुनिएगा। ये उस समय की बात है जब गुरुकुल में शिक्षा मिला करती थी। गुरुकुल में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। जो शिक्षक थे अपने विद्यार्थियों के प्रश्नों के हल बहुत ही सरल भाषाओं में हल कर रहे थे। तभी एक विद्यार्थी खड़ा होता है और अपने शिक्षक से बोलता है कि जो आपने अभी समझाया मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। तो उसके जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, इधर आओ, अपनी हथेलियाँ दिखाओ। वो विद्यार्थी जाता है, हथेलियाँ दिखाता है। उसके जो शिक्षक होते हैं वो कहते हैं, तुम पढ़ाई कैसे करोगे, तुम्हारे हाथों में तो पढ़ने की रेखा ही नहीं, शिक्षा की तो रेखा ही नहीं है। वो विद्यार्थी बहुत ही दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है और जाता है, एक चाकू लेता है, अपने हाथों पर सिर्फ रेखा ही रेखा खींच लेता है। उसका हाथ खून से लथपथ रहता है और जाके अपने गुरुजी से कहता है, देखिए गुरुजी, अब तो हाथों पे मेरी बस रेखा ही रेखा है, अब तो मैं पढ़ सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं, अब तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती पढ़ने से। वो बच्चा कोई और नहीं, महर्षि पाणिनि है, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हमें जीवन के किसी भी पहलू पर, किसी भी अवसर पर रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ।